हैं ट्रेसपास का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा न्यूसेंस क्या है, न्यूसेंस है इनडायरेक्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस, ट्रेसपास है डायरेक्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस। अभी मैंने क्या बताया था कि मेरे घर के बाहर म्यूजिक चल रहा है, इसमें क्या है घर के अंदर म्यूजिक चल रहा है। अगर कोई घर के अंदर आकर आपको परेशान करे, घुसपैठ नाम सुना है ना आपने, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यह आम रास्ता नहीं है। अगर आप किसी के प्रीमिसेस में उसकी इजाजत के बिना जा रहे हो, दैट इज ट्रेसपास। वेरी सिंपल, ट्रेसपास जो होते हैं बेटा तीन तरीके के हो सकते हैं, पहला तो पर्सन, दूसरा लैंड, तीसरा गुड। ये तीनों तरीके के हम पढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले पर्सन, पर्सन के अंदर तीन फॉर्म आते हैं हमारे पास, कौन कौन से, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इंप्रिजनमेंट। मेम भी आता है इसके अंदर, एक पढ़ते हैं। असॉल्ट का मतलब होता है बेटा, समझना, ये लैंग्वेज बड़ी आसान है, बहुत ईजी लिखा हुआ है, तुम ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे सुनो, क्लियर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊँ जोर के, अगर मैंने तुम्हें धमकी दी कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी और तुम्हार को एक तरीके का इम्प्लीकेशन हो गया, यस मुझे थप्पड़ लग सकता है, ध्यान से समझना, अगर आपको इस बात पे विश्वास हो गया कि मुझे थप्पड़ लग सकता है, मैंने मारा नहीं है, सिर्फ इसको कहते हैं असॉल्ट, समझ आ रहा है, मैंने घूस को देखा मारोगे, एंड यू बिलीव दैट आई कैन हिट यू, यू गॉट दिस इम्प्लीकेशन इन योर माइंड दैट यू आई माइट हिट यू, दिस इज असॉल्ट, मैंने मारा नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो असॉल्ट की डेफिनेशन कह रही है, व्हेन द डिफेंडेंट प्रोड्यूसेस एन इंप्रेशन ऑफ इम्पेंडिंग बैटरी, बैटरी बताती हूँ अभी, बिहेवियर इन द प्लेंटिफ्स माइंड, द अटैक इज कंप्लीटेड, इसको कहते हैं हम असॉल्ट, सिर्फ माइंड में डाल, ठीक है। इसके असेंशियल है ऑब्वियसली, पहला कि आपको मेरी कोई इंटेंशन होनी चाहिए, मेरी इंटेंशन है मारने की, तभी तो तुम्हें लगेगा मारूंगी ऑब्वियसली, और इमिनेंट हार्म, ऐसा ना हो मैं फोन पे बता रही हूँ, अच्छा सुन 4 बजे आऊंगी और 4 बजे थप्पड़ लगा के जाऊंगी, दिस इज नॉट असॉल्ट, इमिनेंट हार्म होना चाहिए, समझ आ रहा है। ये दो कंडीशन है, ये पूरी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो, बड़ा आसान है, इसको असॉल्ट कहते हैं। लेकिन जब मैंने आपको अभी कहा कि मैं थप्पड़ लगाऊंगी, मैं थप्पड़ लगाया नहीं है और मैंने अब थप्पड़ लगा दिया, दिस इज बैटरी, कुछ नहीं। असॉल्ट के अंदर जब हम टच लगा देते हैं, अभी तो मैंने धमकी दी थी और अब मैंने मार दिया, दिस इज बैटरी, बस। बैटरी रेफर्स टू द इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू अनदर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। Use of force, however minor, जितना भी छोटा क्यों ना हो, is enough. Physical hurt need not to be there. जरूरी नहीं है physical hurt हो, मतलब physical hurt बहुत जोर के मारो तभी होगा, लेकिन battery requires actual contact with the body of the other person. समझ आ रहा है? This is battery. इसके बाद आता है mayhem. Mayhem ध्यान से समझना. Mayhem क्या होता है? एक तरीके की battery होती है. अभी समझ आ रहा है? Assault क्या था? धमकी देना. Battery क्या है? मार देना. मेम क्या है? जब मैं किसी को बहुत ब्रूटली मारूं, मतलब मैंने किसी को इतना मारा कि बेचारा अधमरा हो गया, किसी के दांत निकाले, नाखून निकाले, किसी को मार दिया, कुछ भी, मतलब बहुत ब्रूटल, और ऐसे किसी इंसान को जो बहुत वीक है अपने आप को डिफेंड करने, उसको कहते हैं मेम। पढ़ते हैं, अनदर टॉट रिलेटेड टू द असॉल्ट्स ऑफ बैटरीज इज द क्राइम अगेंस्ट दोस who are called injuries and who are unable to commit the victims of their body member to protect themselves. It is sometimes called intentional paralysis. Illness deals with the appearance of the loss of body parts due to physical injuries caused by the torts. ठीक है, मैंने एक difference बनाया है आपके लिए बड़ा अच्छा सा, यहाँ देखो, दिख रहा है? Assault क्या है? धमकी दे रहा है। Battery क्या है? मार रहा है। और मेहम देखो कितना ज़्यादा बुरा हाल कर दिया बेचारे का। This is difference. तो ये हमारे हैं ट्रेसपास रिलेटेड टू दी बॉडी, ठीक है, तीन तरीके के हैं, क्लियर हो रहा है? एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दूं, क्या बोल रहा है? असॉल्ट धमकी देना, बैटरी एक्चुअल मारना, और मेम बहुत ज्यादा मारना। इसके बाद है हमारा फॉल्स इंप्रिजनमेंट। देख बेटा, फॉल्स इंप्रिजनमेंट क्या होता है? जब कभी मैं किसी की भी लिबर्टी के ऊपर टोटल रिस्ट्रेनमेंट लगा दूं, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कहा इस कमरे से बाहर नहीं जाना, ठीक है, और तुम मुझे पूछ रहे क्यों, मैं कहा मेरी मर्जी।
अगर मैं तुम्हारी लिबर्टी के ऊपर टोटल रिस्टेटमेंट, टोटल का मतलब है मैंने कहा इस दरवाजे से बाहर नहीं जाना, इससे चले जाओ, ये टोटल नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें रिस्ट्रेन नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक पैसेज बंद कर रही हूँ। टोटल का मतलब है टोटल, दिल्ली से बाहर नहीं जाना, इंडिया से बाहर नहीं जाना, इस ग्राउंड से बाहर नहीं जाना, जरूरी नहीं है जेल। आपके फ्रीडम के ऊपर अगर कोई टोटल रिस्टेनमेंट लगाए उसको कहते हैं हम फॉल्स इंप्रिजनमेंट। डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉल्स इंप्रिजनमेंट कंसिस्ट इन द इम्पोजिशन ऑफ द टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ सम पीरियड फॉर सम पीरियड हाउएवर शॉर्ट अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर विदाउट सफिशियंट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, बस सिंपल। तो ये हमारे तीन तरीके के हैं अगेंस्ट द पर्सन, समझ आ गया? ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं।